अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लफी स्क्रैम्बल्ड एग। उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए 2 eggs, 2 spoon मिल्क, सॉल्ट, पेपर। इसको मैं सर्व करूँगी पैनकेक के साथ। पैनकेक मिक्सर मेरे पास मौजूद है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके ऊपर इसके बनाने का पूरा तरीका प्रोसेस बताया होता है। उस साथ ही मैं सर्व कर रही हूँ फ्रोज़न हैश ब्राउन्स। तो आइए चलते हैं एग की तरफ। जी तो व्यूअर्स, मैं इसमें 2 spoon मिल्क यूज़ कर रही हूँ। मिल्क यूज़ कर इसलिए यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। और उसके साथ साथ मैं सॉल्ट टू टेस्ट, और फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर। अब मैं इसको बीट कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर, साथ ही साथ मैं एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, और जो फ्रोज़न हैश ब्राउन थे वो मैं इसमें रख दूँगी। जब जितनी देर तक हमारा स्क्रैम्बल रेडी होगा, हैश ब्राउन भी डन हो जाएंगे। सो इसको हाई फ्लेम पे करना है। तो अब आ जाते हैं पैनकेक बैटर की तरफ। मैं इसमें मिल्क यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। वो कह रहे हैं कि आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं पैनकेक के लिए, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध की क्वांटिटी इसके ऊपर जो आपका जिस ब्रांड का आप लेंगे, पानी या दूध जो भी आप इस्तेमाल करें, उसकी क्वांटिटी आप अपने रेसिपी के मुताबिक फॉलो कीजिएगा। जी तो व्यूअर, पैनकेक बैटर इज़ रेडी। तो अब आ जाते हैं स्क्रैम्बल की तरफ। जी तो व्यूअर्स, स्क्रैम्बल एग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अबाउट 1 teaspoon। अगर आप बटर यूज़ करना चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। पैन को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लें। इसको लो फ्लेम पर बनाते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें एग, मिल्क, एग, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो डाल रही हूँ। अब इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। जब आपको लगे कि पैन के जो किनारे हैं वहाँ से थोड़ा सा पकने की आपको पकता हुआ फील हो, तो आप स्पून से इसको ऐसे कर लीजिए। अभी हम इसको पकने देंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि हैश ब्राउन जो फ्रोज़न मैंने लिए हैं वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो स्क्रैम्बल एग इज़ रेडी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने पैनकेक की तरफ। मैं इस जग की मदद से ही पैनकेक को इस बैटर इसमें पैन में डालूँगी। आपको जितने बड़े साइज़ के चाहिए आप अपने अंदाजे से उतने इसको डाल दीजिए। जी तो व्यूअर, जैसे ही इसमें ये बबल बनना शुरू हो जाए तो हम इसको फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के लिए आपको इसको भी केयरफुल अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, फ्लफी स्क्रैम्बल विद हैश ब्राउन्स एंड पैनकेक इज़ रेडी। होप अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।